बोली भाई फेंस को कुछ बोल दे तू। हाय आई एम रोमा बाली एंड इन दिस शो आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ बानी बानी जो कि तन्वी की मतलब तन्वी इसमें कृतिका जो हीरोइन है उसकी चाची का रोल कर रही है एंड अभी तक तो आई एम रियली हैप्पी क्योंकि मेरे अलावा और कोई नेगेटिव है नहीं और सारी जो कीड़ागिरी हो रही है इन दोनों को मिलने के लिए व्यूअर्स मुझे बहुत गालियाँ दे रहे हैं। मुझे पता है कि कब मिलेंगे तनु और ऋषि, उसके बीच में सबसे बड़ा हाथ मेरा है एंड आई एम द मास्टर माइंड एंड प्लानिंग एवरीथिंग। सो मुझे बहुत खुशी कि इस तरह का रोल मुझे मिला, ऑफर हुआ है, स्पेशली ऑन कलर्स एंड द नंबर वन शो ऑन कलर्स। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड इट्स अ वेरी, ये बहुत नेगेटिव टाइप का कैरेक्टर नहीं है, ये मतलब कि इनोसेंट कैरेक्टर है। स्टूपिडिटी में मतलब कि वो अपनी बेटियों का भला चाहती है, उस चक्कर में ये सब उल्टा सीधा कर जाती है। कुछ ऐसा कोमलिका टाइप मास्टर माइंड प्लानिंग नहीं करती है बैठ के कि अच्छा तो आंखें चढ़ा चढ़ा के उसके साथ ये करना है, ऐसा ऐसा नहीं है। वो भोली भाली तो नहीं है मगर हाँ सारा गेम जो है वो इसका है और इंस्टेंटली करती है, तो फनी भी है, कॉमेडी भी है, रोती धोती भी, इमोशनल होके। तो आई एम हैप्पी दैट आई हैव गॉट ऑल द शेड्स टू शो इन दिस, यू नो, मतलब जो भी बनावटी बनानी है इनोसेंटली। मतलब आजकल सीरियल्स में दिखाते हैं नेगेटिव कैरेक्टर तो बहुत लाउड होते हैं, यू नो, कि देख के ही समझ में आ जाता है कि ये तो नेगेटिव है। वैसी मेकअप होगा, वैसी उसकी हरकतें होंगी, वैसी प्लानिंग होगी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें शी इज़ ए नॉर्मल चाची और मजाक में, हंसी हंसी में सारे कुछ प्लानिंग कर जाती है और इतना बड़ा सबको नचा रही है, घुमा रही है ये। तो आई एम एंजॉइंग डूइंग दिस शो। आई एम सो सॉरी, आई हैव नो क्ल्यू अबाउट क्रिकेट, ना मुझे ना मेरे पति को, दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के अंदर। तो और सबसे बड़ी बात है कि शो से ही फुर्सत नहीं मिलती है, सारा दिन यहाँ पे शूटिंग में निकल जाता है। यू कम एट 9 एंड यू लीव एट 10, यू नो, घर जाते जाते एक तो दूर इतना है ये सेट। सो आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू आंसर यू, पूछ के आती हूँ। काम मज़ा तो मुझे हमेशा ही आया क्योंकि इससे पहले जो मैंने रोल किया था उड़ान में मैडम डॉन का, वो भी एक बहुत ही डायनेमिक कैरेक्टर था एंड वेरी पावरफुल कैरेक्टर। और ये जो है ये भी उतने ही पावरफुल है बट शेड्स इसके अलग हैं। ये एक नॉर्मल घर की औरत है, चाची है, जो अपने ही घर में ही कार्यक्रम करती रहती है, इधर को भिड़ाना उधर भिड़ाना। मगर उड़ान में जो था वो डॉन थी, वो शूट करती थी लोगों को, यू नो दैट। सो दिस वेरिएशन आई एम एंजॉइंग एंड आई एम हैप्पी दैट आई कैन शो माई ऑडियंस कि मैं नेगेटिव भी कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिव भी कर सकती हूँ। तो ये दिखाने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को एक्टर्स आर अमेजिंग, मतलब बहुत हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और वी गो आउट पार्टिंग ऑल्सो समटाइम्स एंड आई एम हैविंग फन। माधुरी दीक्षित, ओह गॉड या। और आप अगर रेगुलर सीरियल देख रहे हैं तो इसके अंदर मैं बोलती भी रहती हूँ कि मेरी तो कमर 26 है और मैं लगती माधुरी दीक्षित की तरह। लिखा था ऐश्वर्य राय मगर मैंने उसको काट के माधुरी दीक्षित कर दिया। So I really feel that she was an amazing actress. She is an amazing actress, amazing dancer, born actress. And मेरी कोशिश होती कि मैं उसको imitate करूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी smile, आपके बोलने का तरीका resemble करता है माधुरी से, तो I feel very good. Really? Wow. हाँ तो मैं माधुरी जी का एक dialogue. माधुरी का dialogue. एक तो बोलना पड़ेगा मुझे, सोच के बताते कट कर दो अपने डायलॉग्स याद हो जाएंगे, इतने लंबे लंबे लोग चिट्ठे थमा देते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। माधुरी दीक्षित की फेवरेट मूवीज तो मुझे आई लव इसकी जो पिक्चर थी आजा नचले थी जो फ्लॉप गई थी, बट आई रियली एंजॉयड। इसमें मैंने एक तकिया कलाम निकाला जिसमें बोलती मैं बानी हूँ, बानी है कि नहीं, दैट इज़ अ लिटिल बिट स्टाइल ऑफ माधुरी, आई हैव ट्राई टू कॉपी इन दिस एंड राइटर्स अपने आप लिखने लगे हैं कि नहीं करके, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। डायलॉग में सोच के आती हूँ, अच्छा सा बोलती हूँ आप लोग के लिए। अपने फैंस को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग लाइफ इज़ टफ, किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है, एवरीबडी इज़ कैरिंग देयर ओन क्रॉस एंड हिम्मत नहीं हारो, वक्त अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, हर सुबह एक नई रोशनी होती है, तो गेट अप एवरी डे एंड फाइट और पॉजिटिविटी से, यू नो, बाय द टाइम द डे एंड्स टाइम, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ यंग लड़के लड़कियाँ हिम्मत हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कोई अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने खुदा पे, ऊपर वाले पे विश्वास करो। दूसरे के लिए अगर ऊपर वाले ने किया तो तुम्हारे लिए भी ज़रूर करेगा, बस उस वक्त हिम्मत ना हारिए और गिव योर बेस्ट। अगर आपका एटीट्यूड